और उधर दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में फिल्म जी लेने दो एक पल की स्टार कास्ट पहुंची। फिल्म में अहम रोल अदा करने वाले टीनू आनंद से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जसप्रीत कौर ने खास बातचीत की, आइए देखते हैं। एक्टर डायरेक्टर कम एक ऐसी हस्ती जिनको हम अगर इंडस्ट्री में ना हो तो कहीं ना कुछ मिसिंग लगता है। टीनू आनंद एक ऐसा नाम है, अगर फिल्मों में आते हैं तो अपनी पहचान जरूर छोड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि एक्टर कम डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर, इतने सारे रोल आपके शेड में हैं, किस तरह से आप सबको निभा पाते हैं? देखिए, जब मैं डायरेक्शन कर रहा था मैं कभी एक्टिंग नहीं करता था, और लोग कहते थे तुम एक्टिंग कर लो यार। When I'm directing, I'm only a director. When I'm acting, I'm only an actor. And कई बार नए डायरेक्टरों ने ये मुझे कहा है कि भैया कुछ सजेशन दे दो। मैं कहता हूँ भैया वो सजेशन मेरा सेफ के अंदर बंद है, आप जो मुझे कहेंगे करने के लिए मैं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ डायरेक्शन कहाँ। फिल्म ऑन इट्स होल इज़ ओनली अ वन मैन स्टोरी एंड द मैन इन चार्ज इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ माई कैप्टन। He should be the captain. He must always be respected as a captain. So direction अलग होती है, acting अलग होती है। मैंने आज तक अपने आप को director actor नहीं माना है, never। लेकिन आपकी अदाकारी की इतनी अच्छी बात होती है तो मुझे बताइए, अब जो आपका ये प्रोजेक्ट है जी लेने दो एक पल, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि नाम से लगता है कि हाँ एक ऐसी ख्वाहिश है कि मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं उस पल को जीना चाहता हूँ। I think the best person is आप इनसे पूछिए, because ये काम कर रहे हैं। He's a hero in the film, he's a producer in the film, and I think he's best to describe it. मैडम, सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन मेरे साथ। और ये एक हस्बैंड वाइफ के कमिटमेंट की कहानी है, और हस्बैंड कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट मिस करता है एक जज्बात के एक लम्हे में आकर, और वो उसके बाद वो रिपेंट करना चाहता है, पछतावा करता है अपनी वाइफ के साथ, और एक अंतिम समय तक वो चाहता है कि अपनी वाइफ के साथ जिए, और वही फिल्म का हमारा टाइटल है जी लेने दो एक पल जाते जाते। कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि लीक से हटकर कोई फिल्म हो, कुछ अलग देखने को उसमें मिले, कुछ अलग बात हो रही है, तो इस तरह के सब्जेक्ट जब होते हैं तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर्स आपके जहन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कोई आप अलग से करना चाहें कुछ और? कई सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास में, लेकिन डायरेक्शन अनफॉर्चुनेटली मैंने छोड़ दी है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म अभी निकला है विच इज़ कॉल्ड द वेब फिल्म, और मुझे कई ऑफर्स आए हैं टू एक्ट इन देम, एंड ऑल्सो कई ऑफर्स आ रहे हैं टू डायरेक्ट वेब फिल्म्स। की पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो फिल्म का एक डायलॉग हो जाए, कुछ अच्छा सा, कुछ क्रिस्पी कोई डायलॉग हो जो लोगों के जहन में या लोगों की जबान पर चढ़ जाए, कुछ ऐसा कुछ है फिल्म के अंदर आपका डायलॉग? आज लाखों करोड़ अरबों रुपये विदेशों से एड्स के नाम पर मंगाया जाता है, और आज तुम ये बांटने आई हो, ये कंडोम बांटने आई हो समाज में? अगर बांटना है तो चरित्र बांटो, चरित्र। अरे चरित्र क्यों नहीं बांटते भगवान और राम और सीता जैसे देश में? कंडोम बांटने से कृष्ण के चरित्र को आप सुधार नहीं सकते, उसके मन की चेतना को जगाओ। अगर मन की चेतना जागेगी तो इंसान का चरित्र प्रबल होगा, मजबूत होगा। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं टाइटल हटकर है, लीक से हटकर है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, और कहीं ना कहीं अपनी छाप ज़रूर छोड़ेगी। एक अलग सिनेमा अगर आपको देखने की इच्छा है या कुछ क्यूरियोसिटी है कि हाँ मुझे कुछ नया देखना है तो मस्ट वॉच मूवी है। कैमरामैन गौतम के साथ जसप्रीत जी, सलाम दिल्ली। और नाज़रीन सलाम, आज में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और देखेंगे। और यूपी के अंबेडकर नगर में अलीमाम चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोगों ने दिया खून का दिया।